अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, कभी कभार जानवर भी दूसरों को कमज़ोर समझ लेते हैं और बगैर किसी वजह उनसे पंगा लेने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे में बगैर सोचे समझे लिया जाने वाला ये पंगा उन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है। दोस्तों, इस पर हम आज तक 2 से 3 वीडियोस भी बना चुके हैं जिन्हें आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपके इसी प्यार और सपोर्ट को देखते हुए हम आज इसी वीडियो का एक और पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, When Animals Messed with Wrong Opponent। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कुछ जंगली भैंसे और हाथी घास चर रहे थे कि तभी इनमें से एक हाथी को पता नहीं क्या सोचती है और वो भैंसों के साथ पंगा लेने के लिए आगे बढ़ता है। जिस पर पहले तो ये भैंसे हाथी की इस हरकत पर कोई खास तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर इनमें से एक भैंसे को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़कर इस हाथी को सबक सिखा देता है, जिसके बाद हाथी दबे पांव यहाँ से भाग लेने में ही अपनी भलाई समझकर इन भैंसों से दूर चला जाता है। हमारी अगली इस वीडियो में ये कुत्ता पार्क में एक बंदर के साथ बिला वजह उलझने की गलती कर बैठता है और उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों, पहले तो ये बंदर कुत्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी मस्ती में मस्त रहता है, लेकिन जब पानी यहाँ पर भी सर से ऊपर गुजर जाता है तो फिर इस बंदर की सठिया जाती है और ये इस कुत्ते की अकल ठिकाने लगाने के लिए इसे छेड़ने लगता है और इसे खूब परेशान करता है। यहाँ पर बंदर बार बार कुत्ते को मारकर तेज़ी से इसके पास से बच निकलता है, जिससे ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर ये बंदर इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। ये इसे अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर खूब परेशान करता रहता है। बेचारे कुत्ते को इस बंदर के साथ पंगा लेना तो बारी ही पड़ गया। दोस्तों, अब बारी है इस वीडियो की, जिसे देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि बेवजह किसी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना वो उल्टा आपको महंगा भी पड़ सकता है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ घोड़े घास चर रहे थे और वहीं पास ही एक मगरमच्छ लेटा आराम कर रहा था और धूप सेक रहा था। तभी अचानक इस घोड़े को पता नहीं क्या हुआ कि ये मगरमच्छ पर हमला कर देता है और लात मारकर उसे यहाँ से भगाने लगता है। दोस्तों, पहली बार तो ये घोड़ा कामयाब रहता है और मगरमच्छ को लात भी मार लेता है, मगर जब दूसरी मर्तबा ये घोड़ा मगरमच्छ को लात मारने की कोशिश करता है तो फिर मगरमच्छ भी आगे से इस पर हमला करके इसे अच्छा खासा सबक सिखा देता है। यहाँ पर इस घोड़े की किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से इसकी जान बच गई, वरना अगर ये एक बार मगरमच्छ की पकड़ में आ जाता तो वो इसका बुरा हाल करके ही छोड़ता। पाइथन सांपों में सबसे बड़ा और खूनख्वार सांप है, जो कि बड़े बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बना लेता है, मगर जब बात हनी बैजर की आती है तो ये साइज में ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, पर दुनिया का कोई भी सांप इसके आगे नहीं टिक पाता, इसीलिए इन्हें स्नेक किलर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर शायद इस पाइथन को इस बात का पता नहीं था, इसीलिए इसने एक हनी बैजर का शिकार करने की कोशिश की और उल्टा हनी बैजर ने ही इसे सबक सिखा दिया, जिसे अब ये ज़िंदगी भर याद रखेगा। हमारा अगला ये वीडियो क्लिप रिस्की होने के साथ साथ थोड़ा फनी भी है, जिसे देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बूढ़े आदमी के सामने एक सांप आ जाता है और इस पर हमला करने की कोशिश करता है। ये बूढ़ा आदमी सांप से डरने की बजाय उल्टा उसे अपने पैरों से किक मार देता है। पहली बार जब ये आदमी सांप को सबक सिखाता है तो भी वो यहाँ से नहीं जाता, फिर जब दूसरी बार ये आदमी सांप को लात मारता है तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। इसे कहते हैं गलत जगह पंगा लेना पड़ गया महंगा। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, ऐसा कोई क्लिप शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। यहाँ पर एक बिल्ली और सांप आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बिल्ली सांप को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते सांप भी इस बिल्ली से हारता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही सांप इस बिल्ली पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी बिल्ली उल्टा उस पर ही हमला कर देती है। सांप बहुत कोशिश करता है कि जैसे कैसे करके ये किसी तरह इस बिल्ली पर काबू पा ले, लेकिन बहुत देर तक चली इस लड़ाई के आखिर में ये बिल्ली सांप को अपने मुंह में उठाकर भाग जाती है, जो कि वाकई में एक हैरानकुन बात है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि क्या आपने पहले कभी किसी बिल्ली को सांप का ऐसा हशर करते देखा है।
दोस्तों सांप इस दुनिया के सबसे जहरीले और जानलेवा जानवरों में से एक हैं, जो किसी भी जानवर को मात दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपने पिछले क्लिप में एक बिल्ली को सांप के ऊपर हावी होते हुए देखा, वैसे ही और भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो सांप का शिकार करते हैं। उनमें से एक है ईगल, जो सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन दोस्तों कभी कभार ईगल को भी सांपों पर हमला करना भारी पड़ जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि ये ईगल सांप को अपना शिकार बनाने की नियत से आया था, पर खुद ही इसके चुंगल में फंस जाता है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो पास मौजूद एक आदमी ने सांप से इसकी जान छुड़वा दी, वरना आज के बाद ये कभी भी किसी सांप का शिकार करने के लायक ही ना बचता। खैर, इसके साथ जो भी हुआ ये उसे कभी भी नहीं भूलेगा और आइंदा कभी भी सांप पर हमला करने की जुर्रत भी नहीं करेगा। दोस्तों ईगल सिर्फ जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को ही नहीं बल्कि पानी में तैर रही मछलियों को भी अपना शिकार बनाते हैं। ये वीडियो नदी में मछलियां पकड़ने गए मछुआरों ने उस वक्त रिकॉर्ड की जब उन्होंने एक ईगल और ऑक्टोपस को आपस में उलझते हुए देखा। असल में ये ईगल बाकी मछलियों की तरह ऑक्टोपस को भी अपना शिकार बनाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ इसे लेने के देने पड़ गए और ऑक्टोपस इसे बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। ऑक्टोपस पर हमला करने की भूल इस ईगल को महंगी पड़ जाती है। ये खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है पर ऑक्टोपस इसकी जान नहीं छोड़ता। इस ईगल की किस्मत आज अच्छी थी जो मछुआरों ने इसे ऑक्टोपस के चुंगल से छुड़वा लिया, वरना ऑक्टोपस इसे पानी के नीचे ले जाकर मार ही देता। दोस्तों गधों को हम इंसान ही नहीं बल्कि दूसरे जानवर भी काफ़ी हल्के में लेते हैं, लेकिन असल में जितने सीधे ये लगते हैं उतने होते नहीं। इस बात का नमूना आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, जहां ये लोमड़ी एक डोंकी के साथ पंगा लेती है, मगर इसका बगैर सोचे समझे लिया हुआ ये पंगा इसकी मौत पर आकर ही ख़त्म होता है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि जो ही ये लोमड़ी गधे के पास आती है तो वो इसकी गर्दन अपने मुँह में पकड़ लेता है और काफ़ी देर तक लोमड़ी को अपने मुंह में उठाकर इधर उधर घुमाता रहता है, जिसकी वजह से आखिरकार लोमड़ी की मौत वाकया हो जाती है। दोस्तों अगले वीडियो क्लिप को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि मेंटिस किस कदर खतरनाक कीड़ा है। यहाँ पर एक छिपकली मेंटिस को आम सा कीड़ा समझकर उसे अपना निवाला बनाने के लिए आती है। इसकी इस भूल पर मेंटिस इसे आगे से ऐसा सबक सिखाता है जिसे ये जिंदगी भर याद रखेगी। जहाँ ये छिपकली मेंटिस को अपना शिकार बनाने आई थी, वहीं इसे अपनी ही जान के लाले पड़ जाते हैं। ये खुद को इस मेंटिस से बचाने की बहुत कोशिश करती है पर अब तक बहुत देर हो चुकी की थी। ये मेंटिस इस छिपकली को जिंदा ही नोचना शुरू कर देता है और अपने मजबूत पैरों में इसे पकड़कर मार देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इसी के चलते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।